गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त छात्रा हितेश फ्रॉम पटेलवाला। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि काफी सारे हमने एग्जांपल नंबर मेजरमेंट कर लिया था। तो आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बाइनेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने पटेल वाला टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्क करता है वो मैं आपको लाइव आर स्टूडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप आर स्टूडियो को ओपन कीजिए और आप आर स्टूडियो में ओपन करने के बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है DBION। तो ये फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क करता है, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ, फोर साइड इक्वल टू 12 2 2। तो ये मेरा एग्जांपल है, इसको मैं फंक्शन द्वारा यूज करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा। पर बाइनोमियल का रूल्स क्या है कि कोई भी x मीन 4, x इक्वल टू 4 है तो हमें 0 से लेकर 4 तक जाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करता है। तो 0 यहाँ पर 1 अब 2 और 3 और लास्ट 4। तो ये पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल क्रिएट हो गया है। तो अब देखिए, पहला जो आंसर आया था वो 0.13287 था और अब जो मुझे आंसर मिला है वो है 0.927445। तो ये मेरा एग्जांपल का ऐसा ही आंसर है। तो इस तरह से आपको फाइंड करना होगा। और एक दूसरा भी फंक्शन है जिससे आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो उस फंक्शन का नाम है PBION। एक फंक्शन भी इसी तरह वर्क करता है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस एग्जांपल को और पेस्ट कर देता हूँ। तो देखते दोनों को आंसर सेम ही मिला मुझे, 0 से 0, 1, 2, 3 और 4 तक की प्रोसेस करनी भी नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।